कहते इनके मिलन चंद्रमा मतलब राधा कृष्ण का मिलन से जो आनंद उत्पन्न होता है। इसलिए कभी कभी कृष्ण बंसी से क्लीन शब्द उच्चारण करते थे, लेकिन राधा रानी क्या सुनती थी, बंसी से कभी राधे 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 राधा रानी का नाम निकल रहा है। ललिता क्या सुनती थी, केवल ललित 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 शब्द निकलती है। इसलिए कहते कभी बंसी के द्वारा कृष्ण कभी इशारा करते थे, संकेत करते थे। कभी कभी कृष्ण वृंदा देवी को इसको द्वारा भी संकेत करते थे। ये जो वृंदा है, हम कहते ना वृंदा आई तुलसी देव भाई प्रिया आई के सब बोलो कृष्ण भक्ति प्रदेश क्या करती है, ये कृष्ण भक्ति को देने वाली से वृंदा देवी, यही वृंदा देवी ही राधा रानी को ला करके, यही वृंदा देवी कौन है, कहते भगवान की दो तरह का लीला है। कहते जो जोग माया ये भगवान की सारी लीलाओं को जो मदद करने वाली लीला होगी, जो वृंदा देवी जो श्रृंगार लीला है, जैसे सुंदर कुंज बनाना, राधा कृष्ण को कहाँ आज मिलाना है, राधा रानी को लाकर कृष्ण को लाकर के राधा रानी से मिलाना, ये वृंदा देवी का काम है। इसलिए कहते कि बीरा है, कहते इसको द्वारा भी कभी कभी राधा कृष्ण को मिलने में ये कहीं मदद करती थी। इसलिए ये जो स्थान है राधा कृष्ण का सर्वप्रथम मिलन स्थान यहीं पर है। कहते मिलन यहाँ पर उन्होंने क्यों करवाया, इसका क्या कारण है। अभी अभी सुंदर गोपाल जी वहाँ पर कथा सुना रहे थे, बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। कथा थी एक दिन राधा रानी ललिता को कह रहे, बोले ललिते मैं और ये प्राण रखना नहीं चाहता। बोले क्यों, क्या हो गया। बोले क्या हो गया, क्या मैं हिंदू स्त्री हूँ, मैं कुलवती स्त्री हूँ, कुलवती स्त्री का धर्म होता है अपना मन केवल एक पुरुष को प्रति दे, तभी उसको सती कहलाते हैं। लेकिन मेरा मन तो तीन तीन पुरुष में चला गया। बोले कैसे, बोले मैंने एक सुंदर कृष्ण नाम को सुना, इतना मीठा नाम कृष्ण जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडव निते तुंडा बलि लब्धे कर्ण क्रड़ो कड़मिनि घटयते कर्णाभ देवस्प्रिया चेत प्रांगण संगम रचयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनित की अद्भुत कृष्ण की वर्ण दो। जिसको रूप गोस्वामी कहते बोले कृष्ण की जो दो अक्षर है, पता नहीं इसमें भगवान क्या रस भर दिया, जब कान में प्रवेश करता है ना, कहते ब्रह्मा तो दो कान क्यों दिया, करोड़ों करोड़ कान क्यों नहीं दिया। जब जीवा में उदय होता है, जीवा ऐसे थिरकने लग जाती है, बोले अर्बुद अर्बुद जीवा क्यों नहीं दिया। हृदय में जब प्रवेश करता है, बाहर लगता है जैसे रस की धारा जैसे बरस रही है, इतना मीठा ये कृष्ण नाम है। एक कृष्ण नाम सुना है ना, मेरा मन तो पागल हो गया कृष्ण नाम। बोले दूसरा, बोले मैंने बंसुरी सुनी, इतने सुंदर बंसुरी शब्द रूप गोस्वामी कहते हैं। रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, क्या श्लोक याद नहीं, इस श्लोक में कहते भुभरी चमत की परम, इसमें कहते हैं जब बंसी ध्वनि ब्रह्मा सुनते हैं उनका दिमाग चकरा जाते हैं, चतुस्वर सुनने पर उनका ध्यान टूट जाती है, कि बंसी ध्वनि सुन करके विश्व ब्रह्मांड जिसको उथल पुथल कर देती है ये बंसी की ध्वनि। एक सुंदर बंसी ध्वनि सुना, ये बंसी हाँ जिसने बंसुरी बजाई ना, इसके प्रति मेरा मन चला गया। बोले और क्या, बोले चित्रा सखी ने एक सुंदर उन्हें चित्रांकन किया, इतना सुंदर चित्रांकन की जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले स्मेरांग भंगिता परिचितम साची विस्तीर्ण दृष्टि। रूप गोस्वामी सावधान कर देते, बोले क्या सावधान, बोले खबरदार वृंदावन मत जाइयो, वृंदावन मत जाइयो है, अगर वृंदावन में चले गए ना जैसे तीर्थ घाट में तो प्यार नहीं रखनी चाहिए, अगर वहाँ अगर रख दिया, याद रखो वहाँ पर श्री गोविंद देव का मंदिर है, वहाँ तो प्यार रखनी नहीं चाहिए। बोले क्यों, बोले अगर कृष्ण को एक बार दर्शन करोगे ना, आंख में आग मिलाओगे, उनका देखना नहीं, वो तीर उनका जो तेरसी चितवन तीर, उनको जो मिट्टी हंसी नहीं, कहते ये जादू, ये क्या है, कहते जादू, कहते उनको कहते सेरू पर नए नहरे कहो नहीं घरे फिरे संसारी जीवन जो तो है सरना, अगर एक बार उनको देख लिया ना फिर तो बस तुम्हारी हो गया सारे काम है। अगर स्त्री देख लिया ना पति को भूल जाएगी, अगर पति देख लिया तो पत्नी को भूल जाएगी, बेटा देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगा, और पिता माता देखेगा ना पिता बेटे को भूल जाएगा। इसलिए जो देखेगा, देखो आप लोगों से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ स्त्रियाँ आती होगी, आई होगी पति से झूठ मूठ बोल करके, कितना दिन से क्या बोल करके, धोखे दे करके, हाँ पता नहीं कितना दिन से बना बना के आई,
जब पति आया होगा पत्नी पत्नी को उल्टा पुल्टा इधर बोल बोल आया होगा, अगर बेटा आया होगा ना ये तो कोई नौकरी से आया होगा तो झूठ मूठ बोलकर ऐसे ऐसे काम, क्योंकि एक बार अगर उसको कथा उसके कान में पड़ जाए ना बस राधे राधे बोल और वृंदावन में डोल डोल, इसलिए उसको पागल बना देते हैं। इसलिए कहते खबरदार उसकी कथा को मत सुना कर, उसको रूप मत देखो। हाँ उसका सर जो मर मुक्ति उठा ना उसमें नजर ही नहीं पड़नी चाहिए हैं, वो सावधान कर देते हैं, सावधान कर देते हैं। इसका मतलब है रूप गोस्वामी कहते भैया अगर ये जीवन को धन्य बनाना चाहते हो एक बार तो देखो ठाकुर जी क्या मीठा उनकी रूप है, क्या उनके तरी चितवन है, क्या उनकी मीठी मुस्कुराहट है, एक बार देखो। इसलिए राधा रानी कहते मैंने एक रूप को देखा चित्र में पास मेरा मन तो वो बंसुरी वाला ने वो रूप ने फिर मन को छीन लिया, अभी क्या करूं। इतने बोले देखो ये जो तीन बात बताए ना जिनका नाम जिनकी बंसुरी जिनका रूप कोई अलग नहीं कोई एक ही है, तो राधा रानी कहती ललिते किसी तरह से तू घर को ये काम कराओ, किसी तरह से वो बंसुरी वाला से मिला। लेकिन इधर क्या होता है कृष्ण सुबल कृष्ण का जो सबसे प्रिय सखा सुबल कहते सुबल मैंने जो कालियों को सर पर नृत्य किया है ना मेरे कृष्णा कहते रासलीला से पहले कृष्णा कहते मैंने दो लीला किया है, क्या लीला किया है, एक तो उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया और एक कालिया को सर पर नृत्य किया है। रूप गोस्वामी कहते हैं इसी जगत में अगर कोई हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहता है वो क्या करेगा, वो हीरोइन को सामने कुछ बहादुर दिखाएगा, कुछ लोगों को बुला कर वो मारपीट करेगा, मारपीट कर सबको हरा देगा परास्त कर देगा। वो हीरोइन देखो पावारे ये बड़ा पहलवान है, इतना पहलवान है, लेकिन अब हीरो अपने आप उसके प्रति आसक्त हीरोइन अपने आप पर आसक्ति हो जाता है। उसी तरह ब्रज का हीरो कौन है कृष्णा, इसलिए वो हीरोइन कौन है ब्रज गोपिया और राधा रानी। कृष्ण सोच रहे भैया ये बगैर हीरोइन के बगैर हाथ तो मैं ठीका हूँ, अभी रास रचना है, अभी ये हीरोइन को मैं आकर्षण कैसे करूँ। इसलिए कृष्ण ने एक तो उन्होंने गिरिराज उठाया, कितने साल में उठाया 7 साल में, कितना बड़ा गोवर्धन 7 करोड़, कितना दिन तक 7 दिन तक, कैसे उठाया केशकाल। हम कहते ना अरे ये काम हमारे लिए थोड़ी बड़ा है, ये तो मेरे उल्टा आदमी कर सकता, उल्टा आदमी नहीं सबसे छोटे अंगुल नहीं नाख के ऊपर उन्होंने गिरिराज धारण कर लिया। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। इसलिए जब कृष्ण ने गिरिराज उठाया ना गोपियां तो देख रही थी बाबा रे बड़ा बड़ा बहादुर ये इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन और नख को पर धारण कर लिया, ये गोपियां देख देख करके ना अपना मन प्राण चितो उन्होंने कृष्ण के चरण में दिखाया। एक बहादुर दिखाया, दूसरा बहादुर क्या दिखाया, उन्होंने कालिया के सर के ऊपर नृत्य किया है। कृष्ण ने बोले देखो बड़ा बड़ा कलाकार तुम देखे होंगे, कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई रस्सी के ऊपर में, कोई तलवार के ऊपर में, कोई सर पर कलसी लेकर के, लेकिन आप लोगों ने कभी देखे हो सांप के सर के ऊपर नृत्य करते किसको देखे हो, बोले नहीं। इसलिए कृष्ण जब कालियों के सर के ऊपर क्यों नृत्य कर रहे थे, उनका इच्छा था कि गोपियों के मन को आकर्षण कैसे करें, हाँ इसीलिए केवल यही उद्देश्य था इनका आकर्षण कर और रासलीला हो जाए। लेकिन कृष्ण का नृत्य की है लेकिन उसी समय राधा रानी भी आई थी, कृष्ण ने राधा रानी को देखा और राधा रानी इतने सुंदरी, राधा रानी इतने सुंदरी से देवी कृष्ण वही प्रक्ता राधिका प्राण देवता, कह राधा रानी कितना सुंदरी सुन लो, कहते ये पृथ्वी में जितने नारियां हैं जगत में जितने माताएं हैं कहते इनकी सुंदरता को एकत्रित करो, इनकी सुंदरता किसको साथ में, स्वर्ग में जो रंभा उर्वश जो मेनका सुनते हो एक मेनका को साथ में, ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदर एकत्रित करोगे तो एक गंधर्व के साथ होगा, वहां पर जितने गंधर्विणियां हैं उनको सारे सौंदर्य को एकत्रित कर दोगे ना कहते हैं एक लक्ष्मी के साथ में बराबर है, अनंत लक्ष्मियां हैं कहते इनके सारे रूप को अगर एकत्रित कर दोगे ना कहते एक गोपी को साथ में इतना सुंदर गोपी। इसलिए कृष्ण कहते हैं सुमध्यमा, क्या कहते हैं सुमध्यमा, सुमध्यमा मतलब क्या, जिसकी कमर बड़ी पतली है सुमध्यमा, इतने सुंदर गोपियां, लेकिन सारी गोपियों की अगर सुंदरता को एकत्रित कर दोगे ना राधा रानी की चरण की नख से जो छटा निकलती है उसको साथ में भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं लक्ष्मी जदंग्री चरण कमल हो करें
राधा रानी की चरण की इतना सुंदरता है, लखन करोड़ लक्ष्मी जी की चरण की छटा में समा जाएगी। इतनी सुंदर श्री राधा रानी, बोले श्रीमती राधा रानी की जय। जगत को मोहन कर कौन करता है? कृष्ण। जगत को मोहन कर क्यों करते हैं? कृष्ण। लेकिन कृष्ण को कौन मोहन करती है? राधा रानी। इसलिए कृष्ण सोच रहा था भैया ये ब्रज गोपियों को मोहन करूंगा, लेकिन ब्रज गोपियों को क्या मोहन करेगा? जब वहां पर राधा रानी गोपियां आई थी, जब उन्होंने राधा रानी को दर्शन किया ना बस, इसलिए कहते बल सीताराम निपति स्खलितम सिकंदा। जब राधा रानी एक बार तेरी नजर से देखे ना, कृष्ण का मर मुकुट गिर जाते, बंसुरी गिर जाती, कहते कपड़ा कब गिर जाते उनको पता नहीं चलता। इतने श्री राधा रानी सुंदरी। जब कृष्ण राधा रानी को दर्शन की, अभी राधा रानी के रूप को देख करके सुबल लोग कहते सुबल, मैं तो सोच रहा था ये ब्रज गोपियों की हीरोइन का आकर्षण करूंगा, लेकिन मैं तो स्वयं राधा जी का रूप देखकर पागल हो गया, इसलिए मेरे को किसी तरह से मिला, मैं तो प्राण में धारण नहीं करूंगा। अभी सुबल ने देखा भाई अभी क्या किया जाए, अभी ललिता सोच रहे अभी क्या किया जाए, क्योंकि राधा रानी राजा की बेटा राजा की बेटी और कृष्ण राजा की बेटा, अगर साधारण कोई लड़का लड़की ना मिला दो, लेकिन दोनों राजघराने की, अभी तो इनको मिलाना तो बड़ा कठिन है। अभी सुबल और ललिता मिले, बोले अभी क्या किया जाए। राधा रानी कहते कृष्ण विरह में मैं प्राण त्याग करूंगी, कृष्ण कहते राधा विरह में मैं प्राण त्याग करूंगा, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने निर्दिष्ट किया ऐसे की जगह पर मिलाओ जो कि नंदगांव बरसाना का बीच में हो, इस तरफ में नंदगांव और इस तरफ में बरसाना, ये जो स्थान है एकदम बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान है, इसका नाम कहते संकेत है। जहाँ पर उन्होंने इशारा करके यहीं पर से सर्वप्रथम राधा कृष्ण का जो मिलन है यहीं पर हुए हैं मिलन उनकी। इसलिए गुरुदेव कहते थे यहीं पर हम कहते हैं ना मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदाए मंगल आरती जागे भागत हृदय। इसलिए ये जो मंगलारती गाते यही स्थान है, क्योंकि राधा कृष्ण दोनों विश्राम कर रहे हैं कुंजों के अंदर में। अभी राधा रानी को जाना जाबट, सब उठने से पहले राधा रानी जाकर चुपचाप सो जाएगी, और कृष्ण को जाना नंदगांव। अभी मैया जसोदा सोच रही हैं मेरे लाला तो मेरे गोद में सो रहा है, तो पता नहीं वो कहाँ और कहाँ सो रहा है। अभी जटला कुटला क्या सोच रही, मेरी बहू घर में सोच रही, लेकिन राधा रानी तो और कोई सो रही है। इसलिए कृष्ण को पहले जा करके सो जाना, जब उठेंगे ना देखेंगे कन्हैया मेरे लाला घर में ही है, और राधा रानी को जाबट में जाना, और उस जब जटला गुटला उठे ना देखे भैया हमारे बहुत घर में सो रही है। इसलिए अभी यहाँ पर सो रहे हैं, अभी कृष्ण को राधा कृष्ण को जगाएंगे कैसे। इसलिए पहले तो उन्होंने जो क्या उसको मुर्गा मुर्गा को बोलते हैं, अब सबर देखना है, पहले वो आवाज करती है, इनको सुनते ही राधा रानी तो अभिशाप देती है, कहा हम सुख निद्रा में शयन कर रहे हो तुम, मतलब कुहू 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 सबर देखना अपने आप बज उठती है। इसलिए कहते क्या तुम तो जमालय में जा, तेरे को काटते रहेंगे तुम हमारा सुख निद्रा को भंग कर रहे हो। जब राधा कृष्ण नहीं जागती है ना, राधा रानी का कटकट कटकट मतलब बंदर ये बंदरी को कहते तुम जोर जोर से आवाज करो, जटिला कुटिला सांस ननते, कुटिला मतलब जो कुट 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 करती रहती है, और जटिला मतलब जो जट भगाती है, सांस ननता को पता होगा कितना तेज होता है, तेज होती है। इसलिए कहते इतने में जब जटिला कुटिला सुनते हैं ना राधा कृष्ण जब स्वयं हुए होते हैं, इतने में वो जग जाते हैं। जगने पर फिर मंजरिया सखिया यहीं पर राधा कृष्ण को मंगल आरती करते हैं, और सुंदर जहाँ पर हवा कमल फूल खिला हुआ बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ, फिर राधा कृष्ण को जगाते हैं वस्त्र धारण करते हुए, यहीं से राधा रानी जाबट चली जाती है और कृष्ण चले जाते हैं नंदगांव चले। इसलिए स्थान का नाम है संकेत। संकेत मतलब इशारा करके जहाँ पर राधा कृष्ण की मिलन हुआ करते थे, इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी यहीं पर रह करके भजन करते थे। हाँ क्यों, ये लीला हर समय जैसे उनकी स्मरण हो। यहाँ पर एक झूला है, पास में भी झूला है, जिसमें राधा कृष्ण कभी कभी झूला में, राधा कृष्ण ललिता कृष्ण कभी कभी झूला में यहीं पर झूला करते थे। वो जो स्थान है वो रास मंडल है, वो जो रास मंडल है यहीं पर राधा कृष्ण यहाँ पर सुंदर सुंदर रास करते थे। देखो ये जो स्थान में आए ना, हम लोग वृंदावन आते हैं, बोले वृंदावन बहुत बढ़िया दर्शन, बोले क्या
बोले गोलगप्पे खाए और टिकिया खाए और एक एक खाए 100 रुपया दे लस्सी का ग्लास पी कर अरे वाकई भी है दर्शन हो गया वाकई भी है लेकिन नहीं जो कृष्ण का जो असली जो लीलास कली है यही है जहाँ पर एक कंकण पर जहाँ पर राधा कृष्ण की लीला समाया हुआ है इसलिए देखो हमारे मंदिर में अभी तक हिंदी भाषियों के लिए ना सही से किसने प्रोग्राम नहीं किया लेकिन हमारे सुंदर गोपाल प्रभु सबसे पहले इसने मेरे को सबसे पहले मेरे को बोला बोले महाराज हम चाहते आप जहाँ जहाँ जाते हो सब जगह बोला करो हिंदी वासियों के लिए जैसे उनको प्रसाद होनी चाहिए कम उम्र जब कम समय में जो नहीं एक महीना के लिए आ सकते उनको कैसे कर सके बहुत लोग चाहते हैं मेरे को बोला मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँ पता नहीं मेरे को तो बोल दिया मैंने कहा ठीक है लेकिन पहले से मैसेज भेज दिया पहले से मैसेज भेज दिया तो यार नहीं देखा इसका जो साहस है ना बड़ा साहस है हमने इतना दिन से तो भजन किया प्रचार किया लेकिन इसने जितने नए यंग बच्चों को कॉलेज में जा करके ना कॉलेज में जा करके उन्होंने तो यंग बच्चों को तो पीछे हीरो किए हीरो को देखो ये प्रभु जी को प्रोफेसर प्रभु जी को देखो और हमारी ये दीदी को देखो हीरोइन सब देखो और जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पर आए थे तो जो खड़ा हुआ है बच्चे को देखो और वहाँ पर तभी बच्चे को देखो इसने इनके बच्चे को देखो और बहुत सारे यंग बच्चों को इन्होंने मेरे गुरुदेव कहते थे जैसे ठाकुर जी की चरण में जैसे फूल चढ़ाते हैं एक दिन बाद में फूल मुरझा जाती है लेकिन मेरे गुरु जी भी कहते थे अगर किसी को भगवान की भक्ति में लाइन में ले आओ ना कहते ये बच्चे एक दिन प्रतिदिन फूलते रहेंगे खिलते रहेंगे इनका खुशबू केवल भारत नहीं संपूर्ण पृथ्वी में जब ये हरि भक्ति प्रचार करेंगे संपूर्ण पृथ्वी में इनको छुट हो जाएंगे इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भैया जो ये बच्चों को जो भजन में ले आते हैं ना कहते ये सबसे बड़ी दया प्रभुपाद कहते हैं एक बच्चे को कहते एक कितना बड़ी बात देखो जो प्रचार करते हैं एक व्यक्ति को जो माया में फंसे हुए एक व्यक्ति को किसी तरह से समझा बुझा करके इनको भगवान की भजन में लगा दो बोले कितना पुण्य होगा देखो ध्यान कर देख कितना बड़ी बात देखो बोले करोड़ों कोई हॉस्पिटल खोल दे कितने करोड़ों कोई हॉस्पिटल खोल दे करोड़ों स्कूल कॉलेज खोल दे करोड़ों अन्न छत्र खोल दे उसमें जो पुण्य मिलेगी एक बच्चे को अगर कोई प्रभु की भजन में ले आए ना उससे करोड़ गुण ज्यादा पुण्य मिलेगी करोड़ गुण जो सोच नहीं सकते क्यों अन्न खिलाओ 2 घंटे बाद भूख लग गया कपड़ा दो 2 दिन बाद फट जाएगी हैं लेकिन ये जन्म मृत्यु का चक्कर से तुम्हारी उधार नहीं होगी इसमें भटकते रहोगे लेकिन एक व्यक्ति को अगर प्रभु का भजन में लगा दिया ना बास जत गत्वा नम निवर्तन्ते तत्धाम जहाँ जीव जाने से कभी वहां से वापस नहीं आएगा इसलिए प्रभुपाद कहते सबसे बड़ी जो दया है जो भगवान की भक्ति हमें प्रदान करते इसलिए छोटा बच्चा ने उसने बहुत प्रयास करके हम लोगों को उन्होंने लाए देखो आप सोच भी नहीं सकते हो ये कितना परिश्रम कर रहे हैं आपको सोच नहीं सकते आपका घर में 2-4 बेटी आ जाए ना